नमस्कारम, सर्वे भवन्तु सुखिना। आप सभी सुखी रहें, इसी मंगल कामना के साथ न्यू इंडिया संकल्प के इस अंक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जब मैं कहता हूँ संस्कृत, तो सबसे पहले कौन सा शब्द, कौन सा विचार आपके जहन में आता है? संस्कृत लैंग्वेज, एंशियंट इंडियन लैंग्वेज, संस्कृत लिटरेचर, इंडियन कल्चर, वैल्यूज़, और हो सकता है कि कुछ लोग तो ये गॉटन, यानी हम शायद संस्कृत को भूल ही गए। तो आइए आज के अंक में संस्कृत की महत्ता पर बातचीत करते हैं। संस्कृत अ सॉफ्ट पावर, इस विषय पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन के दिल्ली स्टूडियोज़ में मेरे साथ विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊँ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर शशि बाला, नमस्कार। आप डीन हैं सेंटर ऑफ इंडोलॉजी भारतीय विद्या भवन से। हमारे साथ चार्ल्स थॉम्सन हैं, नमस्कार। राम राम, सलाम सलाम। आप ऑस्ट्रेलिया में जन्मे लेकिन बाल्यकाल आपने बिहार में बिताया और बहुत शुद्ध हिंदी आप बोलते हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे शौनका ऋषि दास का, नमस्कार। आप फाउंडर डायरेक्टर हैं द ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज के। हमारे साथ नूफ अल मरवाई मौजूद हैं, नमस्कार जी। आप अरब योगा फाउंडेशन की फाउंडर हैं और इस साल आपको भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि सऊदी अरेबिया में आपने योगा को एक्सेप्टेंस दिलाई है, स्वागत है। कोम कारपेंटियर हमारे साथ हैं, नमस्कार। आप कन्वीनर हैं एडिटोरियल बोर्ड वर्ल्ड अफेयर्स जर्नल के और साथ ही युवा एंटरप्रेन्योर जीवन जोशी हमारे साथ हैं, नमस्कार जीवन जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत news.com ये वेबसाइट दिसंबर के महीने में ही लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने इसका लोकार्पण किया था। प्रोफेसर शशि, आपसे शुरू करूंगा। संस्कृत को देव भाषा कहते हैं, तो क्या ये किसी विशेष वर्ग की भाषा थी या जन जन की भाषा थी? संस्कृत जन जन की भाषा तो बहुत प्राचीन काल में रही। अच्छा। धीरे धीरे संस्कृत जो है, पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत हुई, फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे अन्य रूप संस्कृत के प्राकृत हुई, अन्य रूप जिसको कि हम बोली हुई भाषा कहते हैं, तो इस प्रकार से रही। आज केवल भारत का एक बहुत ही छोटा सा भाग है जिसमें संस्कृत एक बोलचाल की भाषा है, तो बोलचाल की भाषा के रूप में संस्कृत आज विद्यमान लगभग नहीं के बराबर है, बहुत कम है। जी चार्ल्स, कैसे देखते हैं आप, आज हम संस्कृत पे बातचीत कर रहे हैं, संस्कृत की इम्पोर्टेंस को कैसे देखते हैं आप? मैं हिंदी में भी बात करेंगे, अंग्रेजी में भी बात करेंगे, क्योंकि सम ऑफ द ऑडियंस हियर, सम ऑफ आवर कॉलीग्स हियर ओनली स्पीक इंग्लिश। आई फर्स्ट वुड लाइक टू एक्सप्लेन हाउ संस्कृत हैड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एन इफेक्ट ऑन मी। I was 11 years of age. I was in Sydney, and I became a member of a book society called the Theosophical Society. And I started reading books. And one of the books I read was by Arthur Avalon. And Arthur Avalon, this is something that most Indians have not understood. He was actually at one point of time the Chief Justice of India. His dad was first the Attorney General of India. Then during the British Raj, he became the Chief Justice. And just very quickly, for all of you, one beautiful part of his life in Sanskrit was that when he was the Chief Justice, he had a case, it said, and he couldn't make a decision on this case. And he was walking up and down, walking up and down, and the gentleman who looked after him, the sevak, saw him and said, Saaf, saaf, kya ho gaya? Kya ho gaya? Aap itna pareshan kabhi dekha nahi hai. To wo bola ke, main is case mein mujhe maalum hai ki kaun galti hai, lekin mera muh se ye shabd nikal nahi sakta hai, main samajh mein nahi aata hai. तो उसका सेवक उसको बोला वो मंत्र इस्तेमाल कर रहा है। सो देन सर जॉन वुडरॉफ एक्चुअली रिटायर्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही वेंट बैक टू द यूके एंड ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम फॉर 3 years, स्टडीड संस्कृत एंड ट्रांसलेटेड 20 ऑफ द मेजर संस्कृत टेक्स्ट्स इनटू संस्कृत। सो आई स्टार्टेड रीडिंग हिज टेक्स्ट एट द एज ऑफ 11, तो कुछ इसका प्रभाव हुआ और हिंदुस्तान का प्रभाव हुआ। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आई थिंक दिस इज वेरी नाइस। बट लुकिंग एट द एफिकेसी ऑफ अ मंत्र, Noof, as someone who's been associated for teaching yoga for nearly 2 decades in Saudi Arabia, how do you see the neurosciences and the impact of a mantra? There is a lot of evidence scientifically about sound therapy and chanting in the brain, even singing. Neurologically, it has been approved that when a person indulges in an activity where they chant or sing, not only also from mantras, like we have this also in the Arabic and in the Quran, it actually regulates your brain waves. Okay. And it enhances the production of certain brain chemicals that enhances the mood, the sleep, and certain things. So I think in every culture, this thing is there. And I think Gayatri Mantra had been studied, yes, and yes, neurologically has shown effect on the brain. So it's a beautiful thing, and I think it is scientific thing also, can be used in
depression or in certain cases like anxiety, panic attacks, phobias. Okay, excellent. Kom, your name is so synonymous with Om. So how do you see Sanskrit mantra? And you are from France. Can you recite a Sanskrit mantra? Well, I mean, I obviously get quite a few opportunities to recite here and there, but I like the very short statements that define a vision of the world, such as Mano Drishyam Idam Lokam. You know, this whole world is consciousness. And that in itself defines the rapport that we have with the outside world, which is also us. Mm-hmm. And that's also why consciousness is a power that moves everything. But jeevan mein aapse jaanna chahunga, aaj ke bhagte daudte zindagi mein jeevan ka kitna abhin hissa ban payi hai Sanskrit, chahe Bharat ki baat kare ya vishv ki? Dekhiye, Bharat mein to Sanskrit hai. Bharat Sanskrit se hi hai. Sanskrit prachintam bhasha hai. और विदेशों तक भी फैली. आज जो हमारे मेहमान साथ में हैं वो संस्कृत भाषा की वजह से ही भारत आए हैं और अभी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं. जो संस्कृत को नहीं जानते हैं वो योग के माध्यम से धीरे धीरे संस्कृत को जान रहे हैं. अच्छा. जो योग में जिसकी रुचि है उसकी रुचि संस्कृत में है. तो मैं धीरे धीरे आने वाले वर्षों में आप देखेंगे संस्कृत भाषा जो लुप्त होती जा रही है वो धीरे धीरे वापस गति को प्राप्त करेगी और आगे दोबारा आएगी. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट संस्कृत इज अ लैंग्वेज दैट डज कनेक्ट वेस्ट एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. I'd like to ask you, Shaunakar Rishi Das, as we hear your name, you are from the West. When you were born, you had a certain name. What brought in this transformation that you would name yourself Shaunakar Rishi Das? How did that transformation happen? Well, I didn't name myself. I didn't name myself in any of the names that I've had. I was given a name by a guru 40 years ago, so when I was a teenager. And I accepted it. It became my legal name. My identity in that sense. In Ireland, if you take a spiritual path, it's normal to change your name to show that this is a transformation, which is the same in initiation in India. So it was kind of culturally, I didn't have any difficulty with it. And the fact that it was Sanskrit, Irish scholars have studied Sanskrit, and some of the Irish School of Advanced Studies have concluded that Irish language and culture comes from India. Okay, so there are strong overlaps between Irish language and Sanskrit? Very. One very famous Irish scholar, Miles Dillon, he went to Tübingen in Germany because that was the first country to study the Irish language academically in the 1700s. And when he went there, he found out that at the same time they were studying Sanskrit and they had noticed the similarity. So he learned Sanskrit. He already knew Irish language. And he wrote a book about it, ironically only published in India. And in 1984, I found it in Connaught Place. It's very fascinating. I कि संस्कृत जो है भारत की पहचान है. यद्यपि वो प्रतिदिन बोलने की भाषा नहीं है परंतु जीवन का भाग है. हम कितने सारे काम संस्कृत में करते हैं परंतु संस्कृत ना आने के कारण समस्याएं बहुत सारी हो रही हैं. जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ते वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जैसे नाट्य है, नृत्य है इत्यादि, संगीत में अथवा विजुअल आर्ट्स में वो लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जैसे योग है. यदि आप संस्कृत पढ़ लेते हैं तो आपको अधिक समझ में आता है. दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि संस्कृत तो भारत की आत्मा है और जहाँ जहाँ भारत पहुंचा वहाँ वहाँ संस्कृत पहुंची और आज भी एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग फैक्टर है. जैसे आपने कहा कि आयरिश भाषा में संस्कृत है, ऐसे यूरोप की आप जितनी भी भाषाएं देखेंगे सब में आपको संस्कृत के शब्द, उसकी धातुएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देंगे. जी, कौन से पूछेंगे, डू यू फाइंड स्ट्रॉन्ग ओवरलैप बिटवीन से फ्रेंच लैंग्वेज, यू आर फ्रॉम फ्रांस, एंड संस्कृत, एंड इफ यू कैन गिव सम एग्जांपल्स? यस, बिकॉज़ वी आर ऑल रिलेटेड इन द Indo-European family of languages through Greek and Latin. We obviously have kept a lot of the essential, not only roots, but even words of Sanskrit. If you look, for example, at mens, which in French has not survived as the name manas, but it has survived as mental or mentality. And then you have on a much more outer perspective, ashwa, which is cheval. And that, of course, came through hippos and its equus, cheval. But then when you are cheval in French, you come back to the original ashwa. Okay. You know, yeah. So you can see how sometimes we have come closer to Sanskrit in what you might call modern European languages than Greek and Latin might have been in certain respects. Okay. But Professor Shashi, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हिंदी की बात होती है तो हम कहते हैं हिंदी की जननी संस्कृत है. संस्कृत की उत्पत्ति कहाँ से हुई?
संस्कृत को देववाणी संस्कृत कहा गया है, और यदि हम पहले अल्फाबेट की बात करें सबसे पहले, तो ये मेरा रिसर्च नहीं, नासा का रिसर्च है कि उन लोगों ने स्पेस में जाके रिकॉर्डिंग की, और बहुत वर्ष लगा के वो स्पेस में रिकॉर्डिंग हुई साउंड्स की, और उसके बाद उसको ऑडिबल बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगा, और जब वो ऑडिबल होके जब व्यक्ति लोगों ने सुना तो वो संस्कृत की वर्णमाला थी आ ई ऊ ए इत्यादि, और सारे व्यंजन थे। और ये बात शतपथ ब्राह्मण में लिखी हुई है कि जब सूर्य की किरणें धरती पर पहुंचती हैं तो ये वाले ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। अच्छा, तो चार्ल्स, बहुत सारे साउंड हैं, आकाश गरजता है उसका साउंड है, रिवर बहती है उसका साउंड है, क्या हम ये माने प्रकृति की विभिन्न ध्वनियों से ही संस्कृति बनी, संस्कृत भाषा बनी? देखिए, मैं ज़रा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं थोड़ा दूसरे रूप से आपका इसका जवाब देता है। मैं तो बताया आप लोगों को कि क्या प्रभाव हमको हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। अब मैं जब हिंदुस्तान में आया दिसंबर 74 बिहार में रह करके, अब मैं छोटा सा बच्चा था, मैं दिल्ली आया, और कहाँ मैं पहुँच के, चीफ आप तो इस दुनिया में नहीं है, चीफ जस्टिस के घर में पहुँच गया, उसको हम योगा और मेडिटेशन सिखलाता था, तो उनका नाम था रघुनाथ मिश्रा, और ठीक इंदिरा गांधी के घर के बगल में था। तो जब मैं योगा और मेडिटेशन सिखलाता था सवेरे, तो दोपहर में हम लोग को हाई टी होता था, और अभी भी अंग्रेज के जैसा राज था, हाई टी होता था। उसका जो बड़ा भाई है वो संस्कृत स्कॉलर था। अच्छा। तो वो सुप्रीम कोर्ट से वापस आकर के थोड़ा सा, मतलब उसको ये लग रहा है ये सब दुनिया का खेल चल रहा है उसके सामने में, तो उसका बड़ा भाई एक घंटा तक हम लोग को दोनों के सामने में उच्चारण करता था संस्कृत में, और मुझे इसका प्रभावित लगा। तो बाद में हम छोटे छोटे कहानी बतलाएंगे ये कैसे, सब लोग सोचता है कि संस्कृत जो है ना वो स्पिरिचुअल है, वो योगा के साथ है, लेकिन लॉ के साथ है, वकील के साथ भी जुड़ गया है, और उसका थोड़ा सा हम बाद में आपको और बतलाएंगे, लेकिन वहाँ से हमको बहुत प्रभावित लगा संस्कृत का। जी बिल्कुल। तो जब आप योग सिखाती हैं, व्हेन यू टीच योग, नूफ, योग हैज गॉट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ संस्कृत? Yes, definitely. And even in Arabs, you will be surprised to see the students counting in the Ashtanga series in Sanskrit. Mm-hmm. Also the asana names, all the Paschimottanasana, Virabhadrasana, and they know. And we educate them about the meaning, so they know how is the asana performs, because the some of the asanas are, the explanation of the asana is within the name, like Utita Hasta Patangushtasana, yes, and all this type, Ekapada. Okay. A lot of names, and I actually, there are kids who attend with us classes and they do Ashtanga series with their mom, and I have a recording for one kid, Ekam inhaled, V exhaled, okay, Rini inhale, and it's very nice to see this type of language, very old language, lived till now, and it's all over in West and the East. And like the other panelists were saying, there is overlap with Irish language, French language, other, yes, European. How about Sanskrit and Arabic relationship? Yes, this is also there. There is a person I met. He is the head of the Arabic language department in King Saud University in Riyadh, the capital of Saudi Arabia. He wrote a book about the roots of Brahmanism and Vedas, and he found the similarity. So what attracted him, that he was visiting Mumbai and he went to a museum and he saw the story of Brahma, and from his background in the Arabic language he could connect a lot of things because of the similarities. So he took 2 years researching on this and he wrote this book called Suhuf Ibrahim wa Musa. Yes. It means Abraham's and Musa's sutras. And he found the similarities between the Sanskrit and the Arabic and the heritage, and he found out that a lot of the language of the Sanskrit came to Mecca through the Aryans, okay, during Prophet Muhammad time. And it's a nice book that explains historically how this thing came to the Arab peninsula that time, and especially Mecca. Absolutely. So given that there is huge legacy, is there an attempt that, say, Oxford Center for Hindu Studies does research, kind of documentation to understand the language better? Yes, I mean, it's an academic center, so all the scholars, we have 68 students from literally all over the world, and their primary language in most cases is Sanskrit. Some will deal with some other Indian languages, but they'll all deal with primary texts in Sanskrit. Some of them are translating texts, some of them are doing critical editions, which means
coming to India, finding the oldest version of the text, so they find out what's the original as best we know it. So it's very in-depth study. Our librarian is a Kavya scholar. He's from Belgium. Okay. He's quite a brilliant Kavya scholar. Scholars come from around the world just to meet him. Yes. You know, he's a relatively young scholar. So scholars all over the West in different countries. Dr. Kiyoko Okata, one of our graduates, is in Japan. Dr. Ravi Gupta is in America. They've all got tenured positions. So how they teach now is very different. Yes. Because Hindu studies hasn't existed. Okay. But Hindu studies is dependent on Sanskrit to look into the original text so that you see, well, what does it mean? And it's not simply Oriental studies where you just look at the language. You're actually looking at the meaning of the text or the various meanings of the text. Yes. When we talk about documentation of Sanskrit texts and how they are preserved and how in-depth studies are going on Sanskrit, I would just like to add this thing that from Central Asia, thousands of fragmented manuscripts are discovered from various area, from various sites, because they are all ruined. But Spanish, Germans, French people, Britishers and Japanese and Russians, they are all working on them. And the way they have preserved it is so amazing. I have seen those collections, especially in Berlin and in England. So they are so well preserved. I was so fascinated the first time I saw the tiny pieces of manuscripts in the Academy of Sciences in Berlin. They just cleaned it very well and then properly kept it in between two pieces of glass. So they are all digitizing it, and a large number of scholars are working on it. And now with this technologies, what they are doing, because they are fragmented, fragments are there. So tiny fragments are, they are just scattered in different collections. So there is one professor, Japanese professor, Seishi Karashima, has been working on St. Petersburg collection of the Sanskrit manuscripts from Central Asia and other collections. So he could find one page that was torn, and one part of that page was in St. Petersburg, and other was in England. It was so fascinating with and most fascinating manuscripts are discovered. Absolutely. For example, there is one that is conversation. कि संस्कृत जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय भाषा थी और लोग जब एक देश से दूसरे देश जाते थे तो वो संस्कृत पढ़ के जाते थे दैट आई वुड रियली आई लव टू हैव दैट एंड सी दैट मैन्युस्क्रिप्ट कन्वर्सेशन का है बहुत सुंदर जी बट द अदर पॉइंट दैट यू मेंशन प्रोफेसर शशि और मैं चाहूंगा जीवन आप उस पर बताएं कि जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि अगर आप संस्कृत जानते हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो विजुअल आर्ट्स हो आपके लिए आसान हो जाता है भारत में अगर हम मूवीज की बात करें तो व्यूअर्स इत्तेफाक रखेंगे कि हर साल हिंदी मूवीज तो बहुत बनाता है भारत क्या संस्कृत में भी मूवीज बनी है जी बिल्कुल संस्कृत में भी मूवीज बनी है और मूवीज बनी नहीं है उन्हें अच्छे अवार्ड्स भी मिले हैं नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं तो 1983 में सबसे पहले जो मूवी आई थी आदि शंकराचार्य जी के ऊपर आई थी उसके 10 साल बाद जो मूवी जिसको अवार्ड मिला नेशनल अवार्ड वो थी भगवद गीता जो विख्यात है भगवद गीता उसके 2005 में अभी आई है प्रेमानसम जो एक रोमांटिक मूवी है और इसी के साथ अन्य मूवी भी बनी है जिनको अवार्ड्स तो नहीं मिले पर वो बहुत अच्छे चली हैं अभी 2018 में दर्शक देखेंगे या फिर 2019 तक शुरुआती में कि एक 3D एनिमेशन मूवी भी आ रही है संस्कृत की जी अच्छा एक एनिमेशन फिल्म आने वाली है संस्कृत की पुण्य कोटि है उसका नाम क्या नाम है पुण्य कोटि जी तो बिल्कुल लेक्चर से ब्रेक ले रुकेंगे पुण्य कोटि फिल्म जो है वो संस्कृत एक एनिमेशन फिल्म आने वाली है ब्रेक के बाद हम जरूर अपने पैनल से पूछेंगे कि क्या संस्कृत एक माध्यम भी बनी है कि मानव के अंदर जो चेतना है ह्यूमन कॉन्शियसनेस उसको हम पहचाने उसको हम बिल्ड करें ब्रेक के बाद
आप देख रहे हैं कार्यक्रम न्यू इंडिया संकल्प। आज हम बातचीत कर रहे हैं संस्कृत किस तरह से एक सॉफ्ट पावर बन सकती है, दिलों और देशों को जोड़ सकती है। उन्ने कोटि की बात हुई थी संस्कृत की एनिमेशन फिल्म जो शायद नए साल 2019 में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हमने देखा है गत वर्षों में जैसे बाहुबली इतनी बड़ी हिट हुई, बाहुबली में भी संस्कृत काफी सुनने को मिली। बाहुबली जो हिट हुई है उसको मैं मानता हूँ उसके पीछे एक संस्कृत कहीं ना कहीं रही है, जो उसका गाना है जो कैलाश खेर ने गाया है, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से आया, जो ये संस्कृत का उसमें जो टोन है, जो उसमें संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया गया बहुत ही अच्छा है, लोगों को छुआ है वो। जो मंत्र होते हैं संस्कृत का आप देखेंगे भारतवर्ष में तो लोग सुनते हैं, बाहर विदेशों में जो है वो संस्कृत को रिमिक्स करके या जो संस्कृत के जो मंत्र हैं उन्हें बहुत अच्छा उच्चारण करके उसकी बहुत फैन फॉलोइंग है। भारत में तो सुना ही जाता है वो, बाहर विदेशों में भी सुना जाता है उसे। एब्सोल्युटली। कॉम डू टेल, व्हेनेवर यू ऑर्गेनाइज द डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस where people from across the globe come and share their ideas, cultural exchanges happen, what have been the outcomes so far? Several of them, including the fact that a number of what you might call non-governmental contacts and cooperation have been established and are being pursued, and probably a better understanding of cultural traditions. For example, now in Russia there is an actual curriculum which is meant to teach children about other cultures, in particular oriental cultures, and situate them in their own context. Because you know the importance of understanding another civilization is to let it speak for itself, not just trying to interpret it in the light of your own criteria. Yes, absolutely. Let me now ask everyone, beginning with you, Charles, about human consciousness. That is something that is there for every human, and constantly we would want a more pleasant, more profound life. How has your experience been, say, studying yoga in Munger in Bihar, learning more from Sanskrit, spending time in India? How do you see the human consciousness and Sanskrit? I'll give an example. मैं हिंदी में समझाएंगे आप लोगों को। मैं बचपन में बिहार में रहा 11 साल और मैं हिंदुस्तान निकाल दिया और वापस भेज दिया ऑस्ट्रेलिया। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में एक गोरा बिहारी था और मेरा हाथ में कोई चीज नहीं था। संस्कृत का वक्त है और संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान था। तो मैंने काम करते 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 उसको संक्षिप्त में, मैं एक वहाँ पर होटल रेस्टोरेंट्स थाईलैंड को भोजन शुरू किया था। तो शुरू करने के बाद जो सबसे बड़ा कंपनी था ऑस्ट्रेलिया में वो झगड़ा हो गया मेरे साथ। तो झगड़ा होने के बाद वो $1.5 million खर्च किए हमको खत्म करने के लिए। तो कोर्ट में जब मैं कोर्ट में जाता था और जब उनका QC जो $10,000 देता था हर दिन हमसे प्रश्न पूछता था, हम मृत्युंजय मंत्र करता था, मेरा माँ बढ़िया से लिखवाया हमको रखा और हर बार हम बोलता था वो केस खाली हम जीता नहीं, इतना बढ़िया से जीता कि सारा देश का नियम बदल गया है और वो भी केस स्टडी हो गया, काउथाई वर्सेस कोल्स मायर्स, वो एक केस स्टडी हो गया ऑस्ट्रेलिया में। तो लोगों को ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग बात स्पिरिचुअल है, कि मंत्रों में शक्ति नहीं है। मैं खुद अपना जीवन में एक्सपीरियंस एक कोट उस कोर्ट केस में कि ये मृत्युंजय मंत्र मेरा मन को शांत किया और बाद में जब मैं ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा ये ज्ञान हमको कहाँ से प्राप्त किया मुझे नहीं मालूम था वो मृत्युंजय मंत्र। यस एब्सोल्युटली। शौनका ऋषिदास, योर एक्सपीरियंस ऑफ रेजिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस से थ्रू संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। गॉश, रेजिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस वाज क्वाइट अ थिंग टू डू टू समवन। In my case, one thing that really struck me was Darwinian evolution. This theory has taken the world, and it's everything is about evolution. And evolutionary theory is in social studies, it's in economic studies, it's in psychology, etc. But two Indian teachers, Aurobindo and Bhaktivedanta Swami, critiqued the theory and said, "Good theory as far as it goes, but it's only about biology." And to reduce the human experience, or beyond the human experience, the spiritual experience, to biology doesn't make any sense. That evolution is about evolution of consciousness. Yes. And when I heard that, I thought, this, no one is saying this. Mm. Now, you get some religious reaction in the West to evolution, and it's a kind of a, it's not a very sophisticated reaction. And I don't have a problem with Darwinian evolution, but is that it? You know, now the Nazis in Germany less than 100 years ago, yes, at this time they were starting to develop their theories, and they borrowed their theories, unfortunately, from America, in some cases. But Hitler was a Darwinian evolutionist
gone to an extreme, that there was the survival of the fittest. The Germans are the fittest. He called them the Aryans. He took that Sanskrit word, misused it very badly, and he said that this is natural biology. But by doing that, he was able to take out of the educational system any idea of compassion or tolerance or humility or love. And because of that, the children of that educational period were the ones who were able to kill the Jews and the homosexuals and the Jehovah's Witnesses and the Gypsies. They had developed this biological animalistic theory. We're all animals, and they're just not worthy animals, so we can actually kill them. But he had taken the best out of the world, shall we say, the best out of the person. But this best was a more transcendent best. It wasn't the animalistic thing. So that idea, I realized, that's the solution to this degradation of thought. Where a country like Germany, that was considered the most cultured country, could descend so much. And without this kind of teaching, this kind of thinking, and this kind of thinking is found in bucket loads in India, where there's the genuine critique of these issues, and it's reasonable, it's rational, it's also theological. So you have this very interesting mix that they have difficulty with in the West. Once you mix religion or theology or spirituality, then they say it's either religion or science. And India has never thought like that. It's like, how do you separate your head and your heart? It doesn't make any sense. Well, you cut your head off because you don't like it. You kill yourself. You know, it's not holistic. So Indian thought has always been holistic. And for progression of everybody. It's not the survival of the fittest. Everybody is born. जो भी कोई इस यहाँ धरती पर जन्म लेता है, उसकी उसके पास वही उसी स्तर का एक आत्मा है. और फिर हम लोग जो संस्कृत में, जब हम संस्कृत की बात करते हैं, तो वेदों उपनिषदों में जो फिलॉसफी है, जो बाद के ग्रंथों में उपनिषद फिलॉसफी है, दर्शन है, उसको हमें देखना होगा. तो वो जो दर्शन है वो ये सदा कहता है कि ये मानव शरीर 5 फुट 6 फुट का, इसमें सारे ही गुण हैं, चाहे वो मानवीय गुण हों, चाहे वो पाशविक हों, चाहे वो दानविक हों, चाहे वो पैशाचिक हों. परंतु जब व्यक्ति इस जीवन में जन्म, इसमें जन्म लिया मनुष्य के रूप में, पर जब वो मनुष्य से देवत्व की ओर जाता है, वो मार्ग हमारा दर्शन सिखाता है. तो जो आपने ट्रांसेंडेंस इन लाइफ की बात की ना, वो हमारे उपनिषदों से और अन्य ग्रंथों से आती है दर्शन के. और आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि अभी पिछले दिनों बल्गेरिया में 8 उपनिषदों का वहाँ के विदुषियों ने अनुवाद किया बल्गेरियन भाषा में, और 15 दिन में उनकी पुस्तक जो है वो बेस्ट सेलर हो गई. तो उससे पता चलता है कि आज कितनी भूख है, क्योंकि व्यक्ति इन सब चीज़ों से तंग आ चुका है. आज वो जीवन में सुख, शांति, मित्रता, सद्भाव आदि की खोज कर रहा है, और वो संस्कृत से आती है. बिल्कुल. नूफ, डू टेल अस, हाउ चैलेंजिंग वॉज इट इन सऊदी अरेबिया एंड इन द गल्फ टू इंश्योर दैट योग got acceptance and then recognition as a sport? I'll be very honest with you, my struggle was not with people. When I started speaking about yoga in 2004 in the Saudi media, I'm a clinical psychologist, and I could see a lot of what yoga does to your neurological system, to your mind, to your psychology. When I started speaking, people get very interested. What most of people do not know, especially in Hijaz, I'm in Jeddah, I'm from Mecca, but I live in Jeddah, that is near Mecca, and that's the area where I started. There is a lot of similarities in the culture between Hijaz and India, Saudi Arabia, because the social values, the family values, general values are the same. The cuisines are somehow similar and influenced by the Indians who came for trade years ago and then Hajj. So as I mentioned yesterday, that we still have laddus, and we think they are Hijazi sweets. We have burfis, we call it Lebanese, and we cook biryani in occasions, and the women, my grandma used to call the dress kurta. So there is a lot of similarities. People were always inspired by the Indian films. Saudi women like to dress into Indian attire. So yoga, when I started speaking about yoga, saying it's an Indian science, I was surprised with a lot of interest in people. Even that time, yoga was not classified, not as an integrative therapy, not as a sport, not as
anything. Yes. It was totally new, but Saudis got so interested so immediately that I trained 8,000 to 10,000 people, I think, in my city. Wow. We have a huge community of yogis. Yes. And when we have a graduation program for our programs, you will find Saudi women dressed in Indian kurtas and dupattas and colorful. And I showed pictures yesterday because there is a lot of similarities. Yes. The bridal dresses were imported from India even before the 30s and the 40s in Hijaz region. Yes. This much the exchange was there culturally and economically and commercially. So I think it was very interesting when the approval of the Yoga Day happened by the United Nations, by the efforts of the Prime Minister Sri Narendra Modi ji. It was just to create a platform for Saudi Arabia to have a cultural exchange with India on a different level through yoga as a soft power. Yes, absolutely. And yes, and definitely. And you will be amazed how people are perceiving and accepting yoga in Saudi Arabia and Arabs. So it's booming in Saudi Arabia. It's very nice, very heartening to hear that now you are also cultural ambassador both for Saudi Arabia and India. Yes. And this is how soft power unites everyone. So Kom, would you agree that whether it is yoga, whether it is Sanskrit, it is not as if we look it from a limited prism of a religion, Hindu, Islam, Christianity, or certain nation. It is for everyone to benefit. It is. At the same time, we shouldn't disregard the religious and cultural roots. Mm-hmm. Because what happens, especially in America, but in the West in general, is that things become very commercial or very intellectual. Okay. And we lose sight of the inspiration. Mm-hmm. And I think we should definitely be careful about that, because we end up making things, in the end, less effective and less attractive if they become another kind of gymnastics. You know, now there has been this attempt by some creative Western intellectuals to say that, you know, yoga asanas are influenced by Scandinavian gymnastics because before that they were not so organized. You know, so this kind of counter-narrative takes place because it supports a lot of national egos and cultural egos. Mm. And that's what you have to, in a way, intelligently counteract. I mean, there's no point in being overly chauvinistic for anyone and trying to say everything came from here or from there, but we should definitely acknowledge the continuous interaction, but also recognize the source. बिल्कुल. तो अगर मान लीजिए कोई उपनिषद पढ़ना चाहे, या मान लीजिए कोई वेदा पढ़ना चाहे, या भागवत गीता और संस्कृत भी सीखना चाहे, तो थोड़ा बताइए. जैसे अंग्रेजी में हमें मालूम है कि भाई अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, हिंदी की वर्णमाला मालूम है, संस्कृत का ग्रामर कैसे होता है? देखिए, संस्कृत का ग्रामर जो है उसके जो जाने माने वो तो महर्षि पतंजलि जी हैं. तो उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र जो दिए हैं तो वह है आई ओण रेल रिक ए ओंग इत्यादि. तो इसमें जो हल है वो आपका अच जो है आपका स्वर है. अच्छा. बाकी जो आपके छोटे हल जो हैं वो आपके व्यंजन होते हैं. अच्छा. तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए तो है नहीं कि संस्कृत भाषा है तो सरल भाषा है, आप 5 मिनट में इसे सीख लेंगे. अच्छा, कई लोग कहते हैं मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है, सरल है सीखना. हाँ, सरल है सीखना, पर इतना भी सरल नहीं कि अभी आप चुटके बजाते इसे सीख जाएं. कितना समय लगता है? और अब मान लीजिए कोई स्कूल में नहीं सीखा, बाद में सीखना चाहे कॉलेज स्तर पर, आगे सीख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सीख सकता है. संस्कृत को सिखाने का ढंग होना चाहिए. देखिए, संस्कृत को सिखाने का कुछ पिछले दिनों जो मेरे अनुभव में आया कि हम लोग पहले ग्रामर को पर अधिक बल देने लगते हैं. बच्चा जब जन्म लेता है तो भाषा पहले सीखता है, ग्रामर बाद में सीखता है. संस्कृत को पढ़ाने में भी हमें सुंदर छोटे छोटे वाक्यों से जब हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसे व्याकरण समझाते हैं. मैंने मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि जिस बच्चे को मैंने 2-3 घंटे की एक क्लास दे दी, वो 90% से कम कभी नहीं लाया. बहुत बढ़िया. लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा बताइए विशेषता क्या है संस्कृत की. जैसे मान लो मैं कहता हूँ बुद्धम शरणम गच्छामी, मैं बुद्धम गच्छामी शरणम भी कह दूं तो भी वही रहेगा? मतलब जी जी बिल्कुल रहेगा. संस्कृत की भाषा की यही खासियत है कि आप शब्दों को आगे पीछे लिख दें तब भी उसका महत्व और उसका जो सार है वो एक ही रहता है. अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की तरह नहीं कि आप आई गो टू स्कूल को आगे पीछे कर दें तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए. आई स्कूल गो टू कर दूंगा तो बिल्कुल बिल्कुल उसका अर्थ ही समझ नहीं पाएगा कोई. संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें आप शब्दों को आगे पीछे भी रख देंगे तो उसका सार वही रहेगा. जी, तो हमने जाना कि संस्कृत की विशेषता है, सरल भाषा है. तो जरूर अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत सारा संस्कृत का जो साहित्य है उसे पढ़कर आप अपनी चेतना को भी बढ़ा सकते हैं. हमने बाकी लोगों से भी बात की जो कि विश्व के अन्य भागों से आए थे कि आखिरकार संस्कृत से जब वो जुड़े तो उनमें किस तरह का बदलाव आया. स्वस्ति न इंद्रो वृत्रस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न स्तर्क्ष्योरिस्तनेमिः,
Swastino Bruhaspatiya Tathatu. I came 38 years ago from Germany, and I was very fortunate that I discovered India's great, profound tradition. I think we'll be if one. If I had not discovered it, I think I wouldn't have found meaning in my life. एकं विशिष्टं वचनमस्ति यत् भारतदेशस्य द्वे प्रतिष्ठे स्तः संस्कृतं संस्कृतिश्च भारतदेशस्य संस्कृतिः तु संस्कृतं विना भवितुं नार्हति संस्कृतम् इति अस्य देशस्य संस्कृतेः मूलमस्ति अतः अहं संस्कृतं पठामि We have been since 1975 teaching Sanskrit to students from the entry level at 4.5 and the students have benefited tremendously from it And now, not only at the primary school, but even at the secondary school, we're teaching Sanskrit. Samskritasya vishaye jananam mahati asaktihi utpadyamana vartate. Visheshena yoga drishtya, ayurveda drishtya, jananam yatha yatha asaktir vardhate, tadvadeva yogam ye केवलं न आसनम् इति न परिगणयन्ति योगः जीवनमार्गः योगः तत्त्वशास्त्रम् इति ये जानन्ति ते इतोपि गहनरीत्या तद् अध्येतुम् इच्छन्ति A couple of years back, I had a big problem in my health. I was having some back pain. The doctor wanted to do surgery on me. I was like, no, I don't want to do surgery. Back is very, very delicate thing. So I decided to practice yoga, first thing. Second thing, I took an Ayurvedic treatment. And third thing, who helped me a lot, Sanskrit Ucharan, Sanskrita Sambhashanam. Bharat aur Vishwa ke Sanskriti aur Sabhyata ke bare mein gehra chintan संस्कृत के बिना नहीं हो सकता तो इसको हम इस तरह कहेंगे संस्कृत में कि भारत तम विषये उच्च अध्ययन एवं गभीर संस्कृति सभ्यता च विषये चिंतनम संस्कृतम विना अशक्यम मैं ब्राजील में गया था वहाँ रियो दे जनेरो भी संस्कृत सिखाया क्योंकि ये संस्कृत के साथ ये विशेषता भी है कि संस्कृत दुनिया के हर देश में मिलता है ये तो बहुत एक बड़ी विशेषता है आप कोस्टा रिका जाएं कोलंबिया जाएं अर्जेंटीना जाएं ब्राज़ील जाएं स्पेन जाएं साउथ अफ्रीका जाएं वहाँ तो आपको भी संस्कृत मिलेगा संस्कृत का इतना इम्पोर्टेंस है दुनिया में कि बताना भी मुश्किल है इंडियन पीपल फोरम और भारतीय दूतावास के सहायता से हम लोग अपनी हमारी भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो बहुत हज़ारों सालों से है और इस संस्कृति को संस्कृत के माध्यम से हम आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के अरबिक लोगों को और भारतीय वतन के लोग जो रहते हैं भारतीय मूल के निवासी जो यूएई में निवास करते हैं उनको जोड़ने के लिए एक संस्कृत के माध्यम से उनकी हमारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है संस्कृतस्य रसास्वादनम सो वी हैव फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग संस्कृत इन आईआईटी खड़गपुर द फर्स्ट इज टू गिव the students these brilliant students a taste of the wonder that is sanskrit dvitiyam uddesham asti yat sanskrita gnana dwara chhatranam katham asmakam shastranam gabhira gnanasya parichaya praptum ekah avasarah bhavati the way that I look at sanskrit is the language of the gods when you're doing the puja in the temple the objective is to reach from this world into the next world and bring the blessings from that world into this world and sanskrit language is exceedingly important for doing that. It can be done in other languages, it's not impossible, but Sanskrit's the language that's designed for that purpose. So that's why it's important. That's why the priests need to chant in Sanskrit. That's why Sanskrit needs to be preserved, why we need to know what it's saying. It's not difficult. Science is mode pe pahunch chuki hai ki sabse kathin prashn jo iske samne ye hai wo ye hai ki जो व्यक्ति को कॉन्शियसनेस या जो चेतना है वो कहाँ से आती है क्योंकि हम संगणक हैं हम कंप्यूटर हैं हमारा मशीन हमारी ब्रेन जो है वो संगणक है लेकिन इसमें एक अन्य विशेष चीज़ भी है
जो कि सिलिकॉन के संगणक में नहीं होती है, तो ये कहाँ से आती है? तो इसके पीछे जो बड़े बड़े जटिल प्रश्न हैं वो हमारी भारतीय संस्कृत की परंपरा में ऋषियों ने और अन्य लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ विचार किया है। ओम सारा शिव समारंभम नंदीनाद सुनंदिथम तिरुमूलार सिद्धांत तेजो रश्मि प्रकाशितम। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। भारत सरकार का यदि आप लोगों देखें अशोका पिलर का, तो उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है कि सत्य की ही विजय होगी। और अगर दूरदर्शन का लोगों देखें तो उसके नीचे भी सत्यम शिवम सुंदरम लिखा रहता है। प्रोफेसर शशि बाला, थोड़ा बताइए सत्यम शिवम सुंदरम के मायने क्या हैं? सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सत्य होना चाहिए। सत्य का अर्थ है जो कुछ आप देख रहे हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टि से आप प्रमाणित कर सकते हैं। विज्ञान क्या है? सत्य। साइंस क्या है? सत्य। जो सत्य है वो साइंस है। वो शिव अर्थात वो कल्याणकारी भी होना चाहिए। आपके पास साइंस तो है, आपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो बना लिए, परंतु आप उसको जो प्रयोग करते हैं वो आप कल्याणकारी कार्यों के लिए करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो उसका एक दुष्प्रभाव भी हो तो सकता है। शिव जो है यहाँ पे लॉर्ड शिव नहीं, कल्याण के लिए नहीं, कल्याणकारी है। और फिर वो रमणीय भी होना चाहिए उसके साथ साथ। तो जो भी दूरदर्शन कर रहा है वो उसमें ये तीनों तत्व होने अनिवार्य है। जब मैं सत्यम शिवम सुंदरम कहता हूँ तो चार्ल्स थॉम्सन को क्या ख्याल आता है? देखिए, बचपन की याद आता है, हिंदुस्तान में एक छोटे से रिक्शा गांव में जा रहा है और वो बॉलीवुड का गाना बजा रहा है सत्यम शिवम सुंदरम, और वो इतना जोर से बजा रहा है आप उसको रोक नहीं सकते, अभी भी याद आता है। जी शौनका, व्हेन वी से सत्यमेव जयते, लेट द ट्रूथ प्रिवेल, अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस आर सीकिंग ट्रूथ। योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, व्हाट आर द ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, एंड डू यू थिंक दिस नेक्स्ट जनरेशन इज कीन दैट नॉट ओनली दे परस्यू एकेडमिक्स, दे ऑल्सो सीक ट्रूथ? Well, according to the Vedas and all the texts in Indian literature, everyone is inherently seeking truth. Everyone's looking to find what is sat, what is real. Mm. And it's often translated as truth with a capital T, which is kind of a Christian concept. Mm. The proper translation is what is real. Mm. And that's a material scientist, that's a spiritualist, that's a poet, that's a musician. You know, everyone is exploring reality. When we walk into the studio, we're looking at each other and trying to figure out what's real here, what is the real thing. So that's it's kind of a normal yet nearly unconscious part of life. Making it conscious is part of the journey. Okay. Absolutely. And Noof, you were mentioning that the Patanjali Yoga Sutras have also been translated into Arabic. Yes, it was translated 1000 years BC by Al-Biruni. Mm-hmm. He's an Arabic scientist and he visited India. He was exposed to the culture and the language, and he translated the Patanjali Yoga Sutras to Arabic, and it's called Al-Patanjali because we don't have the P, we have okay. B. Okay. And yeah, so maybe I'll get this copy one day and I will read it. I'll read the Yamas and Niyamas in Arabic. Yes, very nice. But Kom, if you look at the United Nations official languages, there is French, there is Arabic, Chinese, Russian, English is there. Do you think Sanskrit makes a case, or how do we view the six official languages? Well, you know, a language supposedly has to be first a living language and practiced by a very large proportion of the world's population. Yes. So I don't think Sanskrit fit in that category, unfortunately. Now, as a language of culture, of course, there are languages that are regarded as the classical languages of humanity, and that includes Sanskrit, Greek, Latin, and perhaps a few others. But obviously, I don't think, I would hope, you know, Dr. Raghuvira wanted Sanskrit, or if not Sanskrit, a highly Sanskritized Hindi to be the national language. Yes. But unfortunately, he was seen as being a bit unrealistic, and English remained essentially the, you know, the central language of India as far as business and politics and a lot of other things are concerned. But Sanskrit jan-jan tak pahunche, iske liye yuva entrepreneur Jeevan Joshi karyarat hain. sanskritnews.com ये जो लोकार्पण माननीय लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने किया, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? देखिए, रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है हमें, माननीय स्पीकर जी ने उसका लोकार्पण किया, बहुत हमें खुशी है, उन्होंने सराहा हमारे काम को। तो क्योंकि ये नया पहल है, क्योंकि युवा कर रहे हैं इसको, कई सारे जैसे दूरदर्शन भी देता है संस्कृत की न्यूज़ें खबरें, ऑल इंडिया रेडियो भी देता है, तो हम युवा जो हैं पत्रकार बनने की कोशिश में, जो अन्य युवा हैं
वो संस्कृत भाषा तो सीख ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो संस्कृत पत्रकारिता को भी सीखें। जैसे अन्य भाषाओं में पत्रकारिता हो रही है, ऐसी संस्कृत पत्रकारिता भी जाए। जो युवा है वो अन्य भाषाओं का ज्ञान तो उसे होना ही चाहिए, साथ साथ संस्कृत में भी वो कर सकता है। लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा सीख कर आप क्या करेंगे, इसमें अर्निंग तो है नहीं, तो आप क्यों कर रहे हैं, इसे क्यों पढ़ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, आप अर्निंग भी इसमें कर सकते हैं, आप पत्रकार बन सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं इसमें, आप IAS IPS की जब तैयारी करते हैं उसमें भी संस्कृत भाषा है। तो ऐसा नहीं, जितना महत्व तो अन्य भाषाओं का है उतना ही संस्कृत भाषा का है। मैं तो चाहता हूँ कि जितना महत्व तो अन्य भाषाओं का उससे कहीं अधिक भाषा संस्कृत भाषा का महत्व है। जी बिल्कुल, तो जैसा जीवन कह रहे हैं कि यदि आप संस्कृत भाषा से जुड़ते हैं तो ना केवल साहित्य पढ़ सकेंगे, अध्यात्म से जुड़ सकेंगे, आप इसमें जीविका भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड की अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में संस्कृत का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है, आइए जानें। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और दर्शन के उच्चतम एवं गहनतम रहस्यों को समझने के लिए यूरोप के महानतम वैज्ञानिकों, भाषाविदों, चिंतकों एवं आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए भी संस्कृत भाषा हमेशा से ही अनुशीलन का विषय रही है। The grammar, the beautiful fact that it was the source of many of the Indo-European languages, including English. And also very importantly, it gave access to some of the fine spiritual texts like the Bhagavad Gita, the Ramayana, etc. We were an organization studying philosophy, looking for the truth, and we connected, this was the 60s, we connected with the Sanskrit teaching, the Vedantic teaching. When it came to England, we went back to the source in India. शुद्धो सि बुद्धो सि निरंजनो सि संसार माया परिवर्जितो सि संसार स्वप्नं त्यज मोह नित्रं मदालसोल्लापनुवाच पुत्रं मदालसोल्लापनुवाच पुत्रं। Well, Shaunakar Rishi Das is with us. He's the founder director of the Oxford Center for Hindu Studies. Do tell, Shaunakar, for those who would like to learn Sanskrit, understand Hindu studies, are there courses available? Are these online? What's the response like? Yeah, we have just started online courses in Sanskrit. The response has been absolutely amazing. The online is just available to anybody. To come to Oxford and study Sanskrit, Oxford and Cambridge are tutorial universities. There are no courses or modules. Okay. So you just have a tutor. It's very guru shishya, very old form of learning, shall we say. But one young girl came from London, Patel, Gujarati. She did Sanskrit for 3 years. When you do a subject in Oxford, that's all you do, just that subject. Okay. 3 years, she just did Sanskrit, and you think, what's the point? How is she going to get employment with Sanskrit in England? She walked out of university, walked straight into Goldman Sachs, the bank, because they're looking for a level of education, and they're also intrigued. What subject are you studying? It's not the biggest issue for them, but if you're studying a subject like Sanskrit, that makes you interesting. That makes you someone who thinks differently. Right. So, since it is an online course, the person can be based anywhere across the globe and still pursue it? Anywhere. Yeah. Any age group? Any age group, yeah. And you are seeing a pattern where you have more people who are getting interested in it? Yes, we were reticent about launching Sanskrit because it's a difficult language to learn at the best of times. You have to apply yourself, and it's always good to have a teacher to help you. Yes. So we were thinking with this, you know, we have forums and you can talk to someone, but some people are silent in the forums. Yes. So we thought, how is this going to work? But anyway, we did it. We found a really, really excellent teacher. She has a first-class primer. We did videos, audio downloads. You know, the notes are very good. So we launched it, and it was full beyond capacity within a week. जी. And now now we have four courses. Okay. Wow. Charles Thompson, आप क्या कहेंगे students को खास तौर पर आज जब चयन करते हैं अपने करियर का, क्या सलाह देंगे आप? मैं पहले एक और अलग से एक जवाब देना चाहता है. एक प्रश्न हो जाता है सब हिंदुस्तानी का मन में कि, और मैंने भी एक ये प्रश्न हो जाता है कि इतना अंग्रेज प्रोफेसर बन गया संस्कृत का पूरा दुनिया में, तो ये एक दिन में नेस्कैफे से जैसे नहीं बनाया ना, काफी साल से लगते 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 बन गया है, तो ये कहाँ से शुरू हुआ? तो एक छोटा सा हम सब जानना चाहते हैं हिंदुस्तान के बारे में, शायद लोग नहीं जानता है. 1940s 1950s में ऋषिकेश में एक स्वामी था, स्वामी शिवानंद. वो पहले डॉक्टर था मलेशिया में. अच्छा. तो वो क्या किया, वो योगा सिखाने को कोशिश की हिंदुस्तानी को,
40s 50s में और जो भी हिंदुस्तानी उसके सामने में आता था वो बोलते चलो हम आपको योगा सिखलाएंगे सैंड्रेस सिखलाएंगे ये सब सिखाएंगे तो हिंदुस्तानी बोलते नहीं 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 हम लोग ग्रहस्थ लोग हैं हम लोग कुछ दक्षिणा देता आप आशीर्वाद दो बस काम खत्म तो स्वामी शिवानंद जी को अच्छा नहीं लग रहा अरे चलो किसी को तो सिखलाना है तो स्वामी शिवानंद जी का मन में एक विचार आ गया तो अंग्रेज लोग आना किया वहाँ पर तो वो बोला कि ये जो टेलीफोन आजकल तो है ही नहीं लेकिन जो टेलीफोन डायरेक्टरी होता है ना पुराना बोलते हैं यूरोप से लाओ कहाँ से बिलाओ तो वो लोग लेके आता है विदेशी लोग लेके आता था और बिना पैसा एक प्रिंटिंग प्रेस खोल करके पुस्तक छपवाना शुरू किया तो लोग ये चीज़ नहीं जानते आजकल तो पुस्तक ऐसे ही माना जाता है उस समय 40s 50s में पुस्तक किताब एक ऐसे कीमत वाला चीज़ है कि एक अलमीरा में रख करके उसको ऐसे प्रणाम करते हैं किसी के पास रहता था तो वो मुफ्त में वो पैकेट करके पूरा यूरोप और कहाँ कहाँ बेचता है आप सोचिए एक अंग्रेज चाहे जर्मनी में है यूके में है अमेरिका में है आपका जीवन में देखा है कि हिंदुस्तान एक वहाँ राजा लोग है कुछ कुछ चलता है हाथी है साफ है एक पुस्तक आ जाता है वो भी अंग्रेजी में योग के बारे में शुरू से अंक तक पढ़ लेता है और फिर एक चेक निकाल कभी जीवन में ऐसा कोई मुफ्त में भेजा नहीं है और वो भी विदेश और पैसे भेजा वो भी छपाता था तो संस्कार पहुंच गया था तो लोग हिंदुस्तान में ये मोदी जी ये बात समझ में आए लेकिन लोग ये नहीं जानता था कि योग और संस्कृत का कितना महत्वपूर्ण चीज हो गया पूरा विश्व में और मैं आखिरी एक छोटा सा ये बताता है मैं जब मोदी जी योग डे बनाया और सब नेता लोग बता रही ये सब फलतू है ये नहीं निकलना चाहिए हमको अभी भी याद है मेरा माँ अब तो रिटायरमेंट हो गया सबसे बड़े योगा स्कूल चलाता था सिडनी में ओ पहली बार योगा डे बन गया कॉन्सुलेट वाला लोग वो तो अंग्रेज बन गए ना खाना पीना सूट अंग्रेज बनना उसको योग हिंदुस्तान का संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है तो मेरा माँ को फ़ोन किया बोलते कोई योग शिक्षक को भेज दो कृपा करके आप तो सब सीख लिया पूरा दुनिया में अगर आप कोई कॉन्सुलेट में जाएंगे तो वहाँ लिखा है हिंदी भाषा या योगा क्लासेस तो ये तो बहुत अच्छा चीज है तो बस वो थोड़ा सा मतलब ये संस्कार वहां से शुरू बिल्कुल सही कह रहे हैं और 21 जून क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो अब पूरा विश्व जुड़ रहा है योग के माध्यम से लेकिन भारतीय विद्या भवन की बात करें तो सेंटर ऑफ इंडोलॉजी एक तो हमने बायोलॉजी जूलॉजी तो सुना है इंडोलॉजी क्या है और क्या स्टूडेंट्स आते हैं सेंटर में पढ़ने के लिए ज्यादा इंडोलॉजी जो शब्द है पहले तो उसके विषय में मैं कहना चाहूंगी जैसे बायोलॉजी है जूलॉजी है जियोलॉजी है ऐसे जो भारत के विषय में लोगों ने पढ़ाई शुरू की तो उसको विदेशियों ने इंडोलॉजी कहा जैसे तिब्बतोलॉजी है साइनोलॉजी है ऐसे इंडोलॉजी दूसरी बात यह है कि भारतीय विद्या भवन में हम लोग इंडोलॉजी के डिपार्टमेंट सेंटर में बहुत तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं हमारे यहाँ लगभग 2000 स्टूडेंट्स हैं नंबर एक वो सब पार्ट टाइम क्लासेस होती हैं भारतीय विद्या भवन एनजीओ है तो उसको किसी का कोई प्रश्न नहीं है कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता जो हम लोग जो आवश्यकता देखते हैं वो कार्य करते हैं उसके बाद फिर हम बहुत सी रिसर्चेस कर रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और दुनिया भर में जो है कहाँ कहाँ संस्कृत और भारतीय संस्कृति रिसर्च के मुद्दे क्या है संस्कृत को लेकर संस्कृत को लेकर रिसर्च के अनेक मुद्दे हैं जैसे कि मैंने अभी कहा कि बहुत सारे जो इन्वेजन्स हुए जो इतने आक्रमण हुए और उस समय में हमारे जो पुस्तकालय नष्ट हो गए उसके कारण बहुत सारे ग्रंथ हमेशा के लिए नष्ट हो गए जो कि तिब्बतन में चाइनीज आदि में आज तक मिलते हैं आपको हैरानी होगी कि चीन के राजा सम्राट जो थे जब उन्हें योग और ये सब चीज़ें भारत के विद्याओं के बारे में पता चला तो उन्होंने आर्मीज भेज दी कई बार ऐसा हुआ कि संस्कृत के विद्वान को कैप्चर करने के लिए कुमार जीव को फॉर एग्जांपल और भी कईयों को चंपा में एक बार उन्होंने सेना भेज के संस्कृत के ग्रंथ मंगवा लिए तो संस्कृत की जो है वो क्या दे सकती है ये प्रश्न है बिल्कुल इतिहास तो हमने जाना है हमारे पास सिर्फ 2 मिनट शेष बचे हैं एज वी कंक्लूड नूफ लेट्स लुक अहेड 2019 एंड गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू यू सी पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम से द लेगेसी ऑफ संस्कृत द लेगेसी ऑफ संस्कृत इज वेरी wide and we cannot limit it to just one sector like it's in literature it's in yoga it's in ayurveda and a lot of things and I see now in arab countries also people get interested in learning sanskrit so I think not only in the west also in the arab countries yoga carries a lot of Sanskrit within the learning itself, so people start understanding how old and how authentic and how beautiful this language can be, especially
in bhajans and a lot of things. Yes. So I think there is a good future for this, and I think it's one of the most important soft powers of India. Even if it's a difficult language, people are interested in it. And through yoga and through Ayurveda, even people who never heard of it or find it difficult, they can find the connection or find an easier way to learn about it. Yes. So going forward, do you think Sanskrit will strengthen itself as a soft power? You know, there has to be a change in the way in which the Western university academic world approaches Sanskrit and India in general, because Indology has become a rather musty discipline which is mired in 19th century concepts, especially the whole Aryan invasion theory and Indo-European, which is a language that has been completely invented on the basis of speculation. And very few people have an interest in that because there is no practical application to it. So I think there has to be, and India has to play a role in that, a revivification of the Sanskrit culture and learning on the basis of a living civilization. Okay. Jeevan, chalte chalte, logon ko samajhna hoga ki Sanskrit sirf shabdik roop se na samjhe, iska adhyatmik pehlu bhi hai, vaigyanik drishtikon bhi hai. Ji. Iska aap dekhiye, agar hum Sanskrit ki baat kare, aap har vyakti Sanskrit bolta, atithi devo bhava, har kisi ko pata hai, theek hai? To ye bhi Sanskriti hai, jo hame jo atithi hai usko dev saman manti hai. तो व्यक्ति को संस्कृत भाषा क्या है उसके पीछे तो थोड़ा जानना पड़ेगा. एक दिन में मैंने जैसे आपको बताया कि सीख नहीं सकते हैं संस्कृत को, उसका आध्यात्मिक भौतिक पक्ष भी जानना होगा, तभी आप संस्कृत को अच्छे से समझ पाएंगे. जी, फाइनल वर्ड्स शानिका. As Kum said, we have to challenge the academy as it stands to help it understand that there are other ways of thinking. There has to be a dialogue between partners, peers, a parity of esteem in the dialogue. Yes. And in Oxford, we're starting to do that. And what we're very interested in is the amount of people from all over the world coming to help with that project to theorize, how do you study these traditions? How do you look at them in a completely different way? Again, like Kum said, how do you understand civilization in its own terms? Yes. And you have to understand Sanskrit to understand this civilization. Okay. And only a fraction of the texts have been translated. Okay. Charles Thompson, the Bihari Lal. Main ek chhota sa batata hai ki mujhe har ek do teen saal mein jab bahut pareshan main hai aur koi jawab nahi mil sakta hai, main savasan mein le jata hai aur Vishnu Sahasranam ko pura sun karke aur uske baad मन में ध्यान बैठ करके कोई जवाब मिल जाता विष्णु सहस्त्र है. मतलब 1000 अवतार विष्णु उसको सुन करके हाँ जवाब मिल जाता है. चलते चलते फाइनल वर्ड्स. ये जो मानव चेतना है इसको बढ़ाने का सशक्त माध्यम है संस्कृत. बिल्कुल है. और देखिए, आज का व्यक्ति या कभी कभी व्यक्ति, वो हर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है और अपनी कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढता है. और यदि हम संस्कृत के माध्यम से वो समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं और उसे प्रसन्न रख सकते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम मानवता की एक सेवा भी कर रहे हैं. एक उदाहरण आपको इसमें देना चाहूंगी कि एक बार इंडोनेशिया की गजा मदा यूनिवर्सिटी में मेरा एक लेक्चर था, संस्कृत फॉर लाइफ. 100% स्टूडेंट्स मुस्लिम थे, परंतु सभी लोग इतने प्रसन्न थे कि मैम आई वॉन्ट टू लर्न संस्कृत. जी, बिल्कुल. उम्मीद करते हैं कि यही प्रसन्नता और विश्व में फैले और संस्कृत भाषा की जो दिव्यता है, भव्यता है और नव्यता है, वह है दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही रहे. आज कार्यक्रम में आके संस्कृत द सॉफ्ट पावर पर चर्चा करने के लिए आपका आभार. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सो दैट जस्ट अबाउट डज इट इन दिस एडिशन ऑफ न्यू इंडिया संकल्प. लेट्स होप दैट संस्कृत मेक्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इंक्रीज्ड ह्यूमन कॉन्शियसनेस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.